हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने ये मटन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये लखनऊ का फेमस मटन कोरमा है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने हाफ के जी मटन ले लिया है, इसे मैंने धो के अच्छे से रख लिया है। पहले मैं यहाँ कुछ मसाले ले रही हूँ। ज़ीरा ले रही हूँ, दो बड़ी इलायची ले रही हूँ, काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, ये मैंने दालचीनी ले ली है, और ये मैंने एक जायफल का टुकड़ा ले लिया है। यहाँ मैं दो हरी मिर्च ले रही हूँ, दो सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ, दो लहसुन ले रही हूँ, अदरक ले रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 प्याज ले ली हैं, अब मैं इसे कट कर लूँगी। इधर मैं अब यहाँ पे कुकर चढ़ा रही हूँ, इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। मैं इसे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। अब देखिए यहाँ ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूँगी, 3 तेज़पात के पत्ते डालूँगी, बे लीव्स, और कटी हुई प्याज डाल दूँगी। इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। फ्लेम को आपको हाई रखना है, इसे मैरून करना है। इसका जब कलर चेंज होने लगेगा, ये देखिए इस तरीके से आपको इसे ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, नहीं तो जला हुआ स्मेल आने लगेगी। अब ये मेरी प्याज तैयार है, अब मैं इसमें पीसेस डाल दूँगी मटन के। सबसे पहले मैं मटन को प्याज के साथ ही भूनूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ मैं मटन को प्याज के साथ भून रही हूँ। इस मटन का जब कलर चेंज होने लगे तब आप इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कैसी लगी। यहाँ मैं अब इसमें थोड़े सूखे मसाले डालूँगी। यहाँ मैं 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। याद रखिए, पहले हमने इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल रखी है। यहाँ मैं 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा लेंगे, और यहाँ पर मैं अब नमक डालूँगी। आपको जितना डालना है आप उतने अपने हिसाब से डालिए। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। इन सारे मसालों को मुझे इस तेल के साथ भूनना है, इसमें अभी हमें पानी नहीं डालना है। आप इसे बहुत अच्छे से भूनें, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब मैंने जो ये मसाला पीस के तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी, और मैं इसे भी अच्छे से इस तेल के साथ भूनूँगी। ये देखिए, अभी हम पानी नहीं डालेंगे, अभी हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। जब इसका कलर चेंज होने लगे, जब ये तेल छोड़ने लगेगा, तब हम इसे पानी डाल के पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए, इसने कलर चेंज होना शुरू कर दिया है और इसका तेल भी अब सरफेस पे आने लगा है। ये देखिए, इतना ही पकाना है आपको, बहुत अच्छे से आपको इसे ब्राउन करना है। इसे आप चलाते रहें। अब मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, फिर मैं इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख दूँगी कम से कम 15 मिनट के लिए। 6 से 7 सीटी आ जाए तब ये गोश्त गलेगा आपका मटन, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। अब यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे खोल के देख रही हूँ। ये देखिए, अभी इसमें पानी है, मुझे इस पानी को सुखाना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। इसे मैं अच्छे से ड्राई कर लूँगी। ये देखिए, इसका पानी अब कम होने लगा है। अब मैं यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, इसे भी आप भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ ये भून चुका है और तेल बिल्कुल सरफेस पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। यहाँ मेरा मटन कोरमा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, और इसे आप हरे धनिए से गार्निश कर लें और इसे खाएँ और घर वालों को खिलाएँ। मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं।